hello everyone so in this video uh, we are going to discuss about all the trades that uh, i did from i exited actually okay maybe i took these trades uh, last month last week

आई होप यू गज लव दिस वीडियो पीपल हुई चैनल जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे आई विश कि आप लोग टेलीग्राम भी ज्वाइन करो सब्सक्राइब भी करो चैनल को दोनों को बट वीडियो देखने के बाद करना फर्स्ट वॉच द होल वीडियो देन मेक यू परसेप्शन अबाउट एट यू वॉन्ट टू लर्न प्राइज एक्शन यू वॉन्ट टू ट्रेड लाइक दिस लाइक मी और नॉट ओके सो सी यू इन द आउटरोस और अब हम लोग चलेंगे

trades lee mane why i took those trades although uske upar videos i have already uploaded those videos in my daily market analysis video okay we'll keep this video fast because kafi kuch batana hai mujhe is video mein okay and video is going to be big i guess 15 20 minutes okay so those people jinko actually me learning chahiye those people jinhain actually me they want to learn from me they want to learn price action swing so trading long term positional view okay so disclaimer batata hu sabse pehle mai ki i am not a sebi authorized person ओके इंडिपेंडेंट ट्रेडर जो अपने व्यूज पुट करता है है ठीक सामने से आप लोग उसे यस yes, नो no कर सकते हो आप लोग फीडबैक दे सकते हो ठीक है आप लोग एक कम्युनिटी की तरह ग्रो हो सकते हो ठीक है कम्युनिटी बट इट्स नॉट लाइक कि मैंने कुछ बोला आपने ले लिया ओके दैट्स नॉट फेयर ओके यू नीड टू योर माइंड यू नीड टू वर्क ऑन ओन या फिर अगर आप नहीं करना चाहते

and everything okay so telegram का target है, है यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले तो यार की सबसे पहले तो मैं आपको पी एन एल तो आप लोगों ने देख लिया ओवरऑल पी एन एल कितना है टू पॉइंट वन एट लैख ठीक है एंड ये पूरे महीने का है मैं

तो पहली ट्रेड मैंने निकाली हुई है जो नीचे से वो है ऑनवर्ड टेक ठीक है ऑनवर्ड टेक निकाली है मैंने एंड दूसरी है हरक्यूलीज ठीक है है अब मैं जो है, वो इस तरीके से निकाल रहा हूँ फर्स्ट पार्ट ऑनवर्ड टेक हरक्यूलीज ठीक है पार्ट आई नॉट एडेड ओके वीडियो कंप्लीट हो जाएगा जब ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा फिर उसके बाद इट विल बी एडेड ओके तो ऑनवर्ड टेक में वॉट वॉज माई एंट्री गाइस ऊपर आप देख सकते हो

ठीक है तो चार सौ पंद्रह इज नॉट ऑल्सो बैड चार सौ पंद्रह पे ही क्लोज हुआ है उस दिन वो आप लोग देख सकते हो ठीक है ट्वेंटी वन परसेंट गेंस यहाँ पे कैप्चर करे गए हैं इन ऑनवर्ड टेक्नो ओके एंड गाइज दूसरा स्टॉक है हरक्यूलिस राइट इसके ऊपर ऑलरेडी एनालिसिस बना हुआ था फटाफट उस स्टॉक पे जाते हैं

for me to again tell the price action ki kya tha wagaira wagaira okay i'm just uh, getting in with the flow with you guys okay and by the way abhi tak like nahi kara to like kar dena 100 likes ka target hai okay so yahan pe aap log dekh sakte ho ki i took the trade around this area 215 and momentum बहुत ऊपर गया कहां तक गया अब देखो यहाँ पे learning भी आती है यहाँ पे exit सब कुछ सब transparency एकदम full दिखाऊंगा 22 परसेंट तक का मूव आया राइट right? बट क्या मैंने 22 capture कैप्चर कर लिया नहीं मैंने बारह परसेंट कैप्चर करा स्टॉक में आई पुट अराउंड है मैंने कैप्चर इन दोनों को मिला दो तो right, तो जैसे टारगेट पूरा हो जाता है ना दो स्टॉक से अब देखो रिस्क देखो यहाँ पे मेरा कितना रिस्क था इस पर्टिकुलर स्टॉक में इस कैंडल के लो का ठीक है दस परसेंट दैट इज राइट

बट एक्चुअली क्या होगा ना फिर बाकी नीचे के दिख जाएंगे फिर वो एक वो सरप्राइज एलिमेंट हट जाएगा पे आप लोग देखो कि कि मैंने मैंने नहीं सिर्फ करा है जो मेरा टारगेट था ठीक है वैलिड सो आई एग्जिटेड द स्टॉक अराउंड दिस एरिया ठीक है अभी भी स्टॉक में कुछ अमाउंट बचा है मेरे पास आई स्टिल मैंने वन पॉइंट टेन हटा दिया चालीस हजार रुपए का पड़ा है

अब हम लोग मिलते हैं next slot में जिसमें हम लोग next की करेंगे And guys, अभी फिर से मैं बता देता हूं आप लोगों को कि टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है कीप सब्सक्राइबिंग फॉर मोर कंटेंट क्या पता अभी दो लाख बने अभी तीन लाख बन जाए राइट इस महीने के एंड तक क्योंकि हाँ क्या पता

ठीक है मतलब वन जीरो थ्री जीरो होता है यहां पे तो so आप लोग देख सकते हो कि द थोड़ा ऊपर है मेरे तो क्लोजिंग थोड़ी नीचे हुई थी यहाँ पे सो द दीडियो आई मेड इन सब पे इन सब ट्रेड्स पे विडियोज हैं इफ यू गाइज वॉन्ट टू वॉच टेलीग्राम इज दियर टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, पहली लिंक टेलीग्राम की है गो देर फॉलो मी राइट नाउ एम इज सिक्स थाउजेंड टू हंड्रेड सब्सक्राइबर हिट दैट राइट नाउ ठीक है शेयर मोर तो यू गाइस कैन सी यहाँ पे कि दिस वाज द ट्रेड एंट्री ठीक है एंड अगेन द अगेन एनालिसिस ऑलरेडी डन है ठीक है लर्निंग्स क्या क्या है वो बताता हूँ वॉल्यूम बहुत ज्यादा था सो भरोसा ज्यादा था ट्रेड में राइट सो आई वेंट विद नॉट वन लाख बट टू लैक्स तो आप देख सकते हो कि मोस्टली मैं उन ट्रेड्स में ज्यादा पैसे डाल रहा हूँ मतलब वन लाख की जगह टू लाख डाल रहा हूँ उन ट्रेड्स में विच आर गिविंग मोर वॉल्यूम देन द प्रीवियस होल ईयर

You, see, this is a strategy. You guys can apply it uh, if you guys like it. If you like the idea, the idea is that uh, whenever you get the profits, don't exit all of them. Okay. Try to experiment. Okay. How you can experiment these things, question yourself. Then the answer jo mere paas hai, the answer that came to me was that uh, exit 70%, exit 80%. Okay. Yeah. Sometimes exit 60%. Okay. Rest 40%. The maximum, minimum that you can exit is. 60% परसेंट मैक्सिमम तो पूरा एग्जिट कर दिया ठीक है मिनिमम 60% तो एग्जिट करने ही है यार क्योंकि 50% से ज्यादा प्रॉफिट बुक करने हैं हमें राइट सो 40% से लेके पूरे जो 40% 30% 20% परसेंट ट्वेंटी परसेंट वट एवर लेफ्ट इज विद यू ठीक है यू गेस कैन कीप दैट एज एन एक्सपेरिमेंटल क्वान्टिटी सो ऑल दीज स्टॉक्स I took them not with 2 lakh, not with 1 lakh, 1.5 2.5 ऐसे, ठीक है? So अभी भी EIG total twenty thirty thousand का है मेरे पास दूसरे account में, ठीक है? So

bloopers be okay video ke, and those bloopers will be the trades that i haven't taken and uh, the kind of grudge that i uh, held that, that i hold against those trades because if i would have been in those trades then the pnl would be even more okay and uh, i feel sad for that really and the reason is that see I'm satisfied with the profits that I made, but I don't want to lose a single stock in the market. That is on my setup, at least, okay? Because that's a opportunity being missed, and I don't want that, okay? So yeah, we'll get back to the video now. So ये हो गया, अब चलते हैं IDFC First Bank पे, 58.3 की entry है, 66 के आउट एक्सिट है, ठीक है? IDFC में I guess यार मैंने काफी अच्छा पैसा लगाया था 2.5 देखा? ये 2.5 आउट मैक्स 2.5 लगाता हूँ मैं, आउट 2.5 is the maximum that I put. सो अराउंड यहाँ पे आप देख सकते हो इन लेवल्स पे uh, ये मेरी एंट्री थी फिफ्टी एट अराउंड बट मेरा अब देखो स्टॉक वेंट टू राइट सो बट ये मैंने पूरा एग्जिट कराया बिकॉज इट्स अ बैंक बैंक स्टॉक बैंकिंग पहली थोड़ा सा ट्रिकी रहते हैं मेरे लिए ठीक है तो वेन दिस पर्टिकुलर रिजेक्शन वॉज कमिंग ठीक है मैंने इस लाइन को शिफ्ट करके यहाँ डाल दिया ठीक है जब प्राइस एक्शन इसके नीचे नीचे निकलने लग गया आई वॉज फिशी वंस आई गेट टू नो की प्राइस एक्शन फिर से जो है इसके ऊपर निकल रहा है यहाँ पे ओके आई वॉज वेटिंग फॉर द स्टॉक कि क्या होगा सी ठीक है इस एरिया पे आई स्टार्टेड बुकिंग पहला बुक, पहला बुकिंग यहीं पे कर लिया था वन लाख का ठीक है अराउंड टू पॉइंट फाइव लाख से ट्रेड लिया राइट सो वन लाख का बुकिंग यहाँ कर दिया था अपडेट भी करे टेलीग्राम पे आप लोग देख सकते हो उस टाइम पीरियड पे जाके देख लो उस दिन पे जाके यू गाइस कैन सी ऑन यूगा ही क्या बोल रहा था ठीक है सो उसके बाद फर्स्ट मोमेंटम जब मिला स्टॉक में जैसे ही पिछला ये ब्रेक हुआ

ठीक है अब इसमें मैंने ज्यादा क्वांटिटी क्वानिटी डाली जब मैंने वॉल्यूम पे नहीं देखा सो लर्निंग कम्स द पिक्चर की यार जब तीन परसेंट का स्टॉप लॉस मैं ले रहा आई एम टेकिंग स्टॉप लॉस अगर मैं लाख भी डालता हूँ तो नौ हजार के साइड पर मैं देखूंगा दस पंद्रह बीस परसेंट तक के टारगेट दिख रहे हैं मुझे राइट सो so कितना क्वानिटी बन सकता है कितने कम क्वान्टिटी जा सकता है ये कैंडल अगर इनगल्फ होती तो ये स्टॉक गिरता बट नेक्स्ट डे आई आई बुले आई और बुलेश अप होके बुलेश राइट सो दैट्स द काइंड ऑफ मोमेंटम वी विल गेट इफ यू

इनको हटा दो अब ठीक है इनका डिस्कशन हो गया है. नहीं नहीं मेट्रो ब्रांड रह गया ना यहाँ से ये 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 चार स्टॉक्स स्टॉक्स हटा दो बाकी डिस्कस करते हैं मेट्रो ब्रांड ब्रांडीसी जीएमडीसी अभी है मेरी होल्डिंग में टू लैक्स ,00 का लिया हुआ था एक्चुअली वो एंड uh, uh, अभी भी बचा हुआ वन लाख का मैंने एग्जिट कर दिया था वन लाख ,00 का भी बचा हुआ है ठीक है उसको मैं होल्ड करके चलूंगा ठीक है एक्चुअली वो वो सिक्स लाख ,00 देखो गईज मैं बताता हूँ ये जो एग्जिट हुए हैं ना यहाँ पे जैसे स्टार सीमेंट का एग्जिट हुआ GMDC का जो एग्जिट हुआ है जो Hercules का एग्जिट हुआ है जो हरक्ल्यूज का एग्जिट हुआ है ठीक है तो ये कुछ तीन चार स्टॉक ऐसे एग्जिट हुए हैं कि कि जिससे मेरा ओवरऑल हिट कर रहा था उस वजह से एग्जिट हुआ है ये 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 ठीक है है तो ये एक ये मैं, ये एक मैं लेसन एक्चुअली कि दिस इज लाइक राउंड नंबर पे आके एग्जिट करना विच इज अगेंस्ट द रूल ठीक है बट ये मेरे लिए फॉर मी इट वॉज अड स्टोन ठीक है मुझे लगा कि ये एक बहुत बड़ा लेवल है जो मैं हिट कर रहा हूँ ऑन अ मंथली बेसिस ठीक है यूजली

थॉट प्रोसेस की जब ये ऊपर गया पहले तो ठीक है आई वॉज मैं खुश था टू पॉइंट फाइव थ्री परसेंट मिल रहा है ठीक अच्छा है अच्छा खासा मुझे रुपए मिल रहे हैं तो दिस ऑन स्क्रीन बट आई एम नॉट बुकिंग राइट तो ये कहांटालिटी है ठीक है कि पहले मैं दस हजार दिखता था बुक कर लेता था अब मैं नहीं करता इतनी जल्दी unless मेरा पोर्टफोलियो एक अलग ही लेवल पे चला गया है ओवरऑल ठीक है तो क्या जब ये दस हजार पे था तो मेरा पोर्टफोलियो क्या एक लाख दो लाख पे था नहीं नॉट ठीक है इस तरीके से नहीं था सो so, जब मैंने देखा कि ये ऊपर जा रहा है पीएनएल बंद कर दिया स्टॉक को बंद कर दिया लेट्स सी क्या होता है उसके बाद दो दिन तक नीचे गिरा दो परसेंट मतलब मैं सेवन थाउजेंड एट थाउजेंड का जो प्रॉफिट था वो इरोड हो गया राइट दैट प्रॉफिट गॉट इरोडेड एंड फ्रॉम देयर आई केम टू ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कितना पांच चार पांच हजार के लॉस में आ गया राइट सो नाउ आई एम सीइंग लॉस ठीक है क्या हैंडल कर सकते हो तुम लोग ये

लर्निंग ऑफ दिस स्टॉक वॉज की आई पुटिंग लेवल्स जो कि एक थिंकिंग लेवल था कि यहां मुझे अपना थॉट प्रोसेस बनाना है जो आप लोग हर समय करते हो पांच मिनट पंद्रह मिनट बीस मिनट एक घंटा चार घंटे के टाइम फ्रेम पे जो आप लोग करते हो कि अब मुझे चेक करना चाहिए अब मुझे चेक करना चाहिए क्या हो रहा है एग्जिट कर दू क्या करू मार्केट बी गिर रही है आई के रिजल्ट आने एच डी एफ सी के रिजल्ट आने आ, के रिजल्ट आने हैं मार्केट पूरी गिर जाएगी आज ठीक है आज कुछ हो जाएगा इस बेसिस पे इफ यू प्लान योर ट्रेड यू वॉन्ट बी सक्सेसफुल एट ऑल ठीक है थिंक ओवरऑल कितना पी एन एल में लॉस होगा थिंक कि क्या ये मेरा वैलिड लॉजिकल एग्जिट है क्या Uh, किसी बैंक के रिजल्ट से क्या किसी बड़ी कंपनी रिलायंस के रिजल्ट से मैं इतना इन्फ्लुएंस्ड हूं अपनी ट्रेडिंग पे आई एम गोइंग टू माय स्टॉक राइट नो नो ओके नो नॉट एट ऑल ठीक है सो अब बात करते हैं कि पेटी इंजीनियरिंग में मैंने थॉट प्रोसेस लेवल मतलब कब सोचूंगा क्या करना है मतलब स्टॉक को खोलूंगा कब जब ये यहाँ आ जाएगा या तो ये यहाँ आ जाएगा

ठीक है क्योंकि उसमें ज्यादा प्रॉफिट भी नहीं हुआ पांच छह हजार के प्रॉफिट ऐसे तो बहुत सारे हुए मुझे कुछ थर्टी थाउजेंड फोर्टी थाउजेंड तक हिट चली गई है ठीक है सिंगल डे पे उन रेड्स की बात कर रहा हूँ मैं ठीक है सो और इतना भी शेयर मैं कर रहा हूँ ये भी बहुत है बिलीव मी ओके बिकॉज आई हैव सीन पीपल जो कि कुछ शेयर नहीं करते डोंट शेयर एनीथिंग बस स्क्रीनशॉट भेज दिया है इधर से उधर ठीक है आई एम शेग इच एंड एवरीथिंग प्री एनालिसिस पोस्ट एनालिसिस इन दोनों के शॉर्ट बना के डालना अलर्ट्स देना टेलीग्राम पे कि uh, अब एक एजुकेशनल कंटेंट uh, आने वाला है ठीक है उस पर वीडियोज बनाना डेली देन अपना खुद का ट्रेडिंग साइड में करना उस मेन्टेलिटी से उस लेवल से ठीक है एंड देन अगेन मेकिंग ऑन इट आई थिंक फॉर मी इट्स अग डील ठीक है मे बी फॉर सम पीपल इट डील कि वीडियो बना रहा है है इसमें ये होना होना चाहिए चाहिए वो भी ठीक so, uh, अब वापस आते हैं वीडियो पे so, आप लोगों को समझ में आया कि कि एक thinking level रखना है कि जहां पे मैं खोलूंगा स्टॉक क्योंकि उससे पहले खोला सो so क्या होगा अभी एग्जिट करता हूँ कल एग्जिट करता हूँ बहुत फोमो भी होता है बहुत कुछ होता है सो थिंक लाइक दिस कि अगर इस स्टॉक से निकले तो दूसरे स्टॉक में जाओगे राइट right?

okay think like that okay once you start thinking like that okay and stop seeing pnl stop seeing where the trade is going on on intraday if you are taking on a larger time frame then इसी पे अगर आपने 15 मिनट 5 मिनट इंट्राडे ट्रेड लिए तो आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा ट्रेड को यू यू हैव टू गिव मोर वॉच टाइम टू द ट्रेड बट एट द सेम टाइम एट द सेम टाइम यू गाइस विल बी सीइंग यू यू गाइस वोंट बी सीइंग द लार्जर टाइम फ्रेम सो लार्जर टाइम फ्रेम देख मैं क्या करूं टाइम वेस्ट ठीक है तो बड़े टाइम फ्रेम को अगर ट्रेड ले रहे हो तो छोटे टाइम फ्रेम को क्या करोगे देख के राइट right. छोटे टाइम फ्रेम पे बहुत फ्लक्चुएशन होंगे ओवरऑल स्टॉक क्या पता उसके फ्लक्चुएशन के ऊपर निकल जाए यही देख लो यहाँ से देखोगे कहोगे बहुत बड़ी सेलिंग आ गई ठीक है यहाँ से कितनी की सेलिंग आ गई है ठीक है लेट्स सी कितने की आई है सेलिंग ऑलमोस्ट पांच छह गिर गया स्टॉक बताओ ठीक है तो तो क्या बोलोगे सेलिंग आ इसमें तो SBI के रिजल्ट थे HTSC के रिजल्ट थे बहुत सेलिंग आगे एग्जिट करो स्टॉक को ये क्या हो ठीक है तो क्या ये बीस हजार बनते नहीं बनते राइट सो मेंटेलिटी चेंज करो तो कीप लेवल्स थिंकिंग लेवल्स रखो कि कहाँ स्टॉक देखना है एक्चुअली कहाँ पे से अच्छा खासा ठीक है वो टारगेट्स के पास होना चाहिए स्टॉप लॉसेस के पास होना चाहिए जहाँ पे आप एक डिसीजन मेकिंग कर सको हर समय डिसीजन मेकिंग करते रहोगे तो उसी में फंसे रह जाओगे ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे ठीक है so, सो अब बात करते हैं यार नेक्स्ट स्टॉक की ठीक फटा -फट है फटाफट चलते हैं स्टार सीमेंट की एंड अब पी वगैरह हटाते हैं तो स्टार सीमेंट अच्छा जा रहा था बट अभी फिर से गिर गया है यहाँ पे ठीक है ऑल मैं पूरी क्वांटिटी एग्जिट कर ही नहीं है करता ही नहीं मैं एग्जिट पूरी क्वांटिटी इतनी ली स्टार सीमेंट खोलते हैं और कहाँ पे स्टार सीमेंट आप देख सकते हो कि 123 पे एंट्री है वन पे एग्जिट है वन पे यहाँ पे सॉरी <coughs> वन पे आ, आपकी एंट्री है <coughs>

छह सात परसेंट के प्रीमियम पे ट्रेड ली है आपके सेटअप से छह सात परसेंट के प्रीमियम पे चल रही है ट्रेड ठीक है तो छह सात परसेंट मिल गया है तो एग्जिट करो ठीक है ये सिंपल सा लॉजिक था लगाया एग्जिट मारा ट्रेड को अब मैं कुछ छोटी मोटी क्वांटिटी से बचा हुआ उस ट्रेड में ठीक है अगर ये ट्रेड इसके नीचे जाती है मैं एग्जिट कर दूंगा मेरा लॉस मिनिमम वन टेंथ भी नहीं होगा

ठीक है मैं आपको दिखाता हूँ कैम्ब इज अमिकल स्टॉक राइट केमिकल से ठीक है थीके? अब यहाँ पे तीन लाख क्यों लगा है वो बताता हूँ बिकॉज ये सेम सेटअप मैं पहले भी देख चुका uh, अब इसमें एंट्री थी 293 पे एंड एग्जिट थी 315 पे 293 ये एंड 100 300 अच्छा हाँ स्टॉक वेंट थ्री थर्टी गई वे बता दू मैं मेरी एग्जिट इतनी भी अच्छी नहीं थी 7 परसेंट के आसपास ही निकाला मैंने 315 सौ तो okay. so, इतनी अच्छी भी एग्जिट नहीं है ठीक है बट कोई बात नहीं uh, ज्यादा क्वांटिटी थी तो जल्दी फिर मेरा भी ऐसा हो जाता right? so, so, uh, -फट है मद्रास फर्टिलाइजर आप लोगों को याद होगा एक स्टॉक ठीक है थीके? सालों पहले मैंने उसका प्राइस एक्शन एनालिसिस करा था दिखाता हूँ यहाँ पे इस एरिया पे ठीक है सो दिस इज ट्वेंटी वन मार्च जहाँ मैंने ये एनालिसिस करा था एंड अगर आप देखोगे यहाँ पे

So, Metro brand में 2.5 लाख का investment था right? 850 से अपनी एंट्री थी ठीक है and हमने कहां बुक को कितने पे नहीं है okay, so 7 पे मैंने इसको बुक कर दिया है ऊपर so right? उठ रहा था इस एरिया पे तो एंट्री मेरी यहाँ पे होगी कहीं एंड ये मेरा यहाँ पे होगा एरिया सो द फर्स्ट मोमेंटम द स्टॉक गेव

छह परसेंट का स्टॉप लॉस है अपना एंड यू कैन गेट लाइक भी मिल सकता है much, Reason, level, made, okay, है ठीक अब एग्जिट कहाँ करा ड मैटर वेन यू कैन गेट दैट मच एंड एग्जिट कहाँ करा ड मैटर रीजन कि इफ द एग्जिट इज अबव योर लेवल एंड अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज बीन मेड ओके एंड पीसफुल बनाया परफेक्ट है ठीक है हिट रेट भी बहुत जरूरी होता है गाइस हिट रेट इज आल्सो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इक्वली फॉर योर ट्रेडिंग ठीक है सो अब बात करते हैं यार कुछ और ट्रेड्स की जैसे कि टीआई इंडस्ट्री ठीक है अब लाइक वी आर एट द एंड ऑफ द वीडियो ठीक है सो यहां पे मैं कुछ और ट्रेड्स डाल रहा हूं जो कि हमारी लूजिंग ट्रेड्स में आती हैं ठीक है सो so, ये एक मैंने आप लोगों के लिए बनाया हुआ है प्रॉपर्ली ठीक है अब वो कुछ इस अकाउंट में कुछ उस अकाउंट में बहुत सब है ठीक है तो जैसे एस आर एफ था तो एस आर एफ की मेरी मेरा प्रॉफिट इन एस आर एफ वो थर्टीन थाउजेंड जो मैंने

So, LG और हमारा ऑटो एक्सल तो देखो सिंपल सी थ्योरी है, okay, right? so, okay. है, है? यहाँ मैंने लिया था इस एरिया पे सबसे पहले तो देखो मैंने यहाँ पे लिया था इसको एड करा है सो इट टुक समुक सम मेरी कोई एवरेज क्वान्टिटी बनी मैंने यहाँ ज्यादा लिया देन स्टॉक फॉल हुआ

सो इट वेंट इन माई डायरेक्शन ऑल्सो ठीक है थ्री फोर थाउजेंड का यहाँ पे भी हो रहा था कुछ प्रॉफिट क्योंकि अराउंड uh, कितने का वन लाख का लिया होता राइट ठीक है अब क्यों क्यों मैंने ये वन लाख का लिया था बिकॉज पैटर्न की लेंथ छोटी है बहुत सारी हिडन लाइन भी है पैटर्न की लेंथ भी छोटी है आई थॉट की वाली हेडन लाइन ब्रेक हो जानी चाहिए ठीक है इन मोमेंटम जिस तरीके से जा रहा था बट दैट डेंट हैपन एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट किया

वॉज नॉट इन प्रेशर की अब मैं क्या करूंगा इन पर्टिकुलर डेज पे ठीक है मुझे एग्जिट करना चाहिए कि नहीं अभी फिर से और लॉस हो रहा होता उतना ही हो रहा होता थोड़ा और हो रहा होता बट अगर कैंडल देखा इन एंड आई होप यू लव इट यू लव दीडियो सारी ट्रेड सब कुछ दिखा दिया एंड बाकी एक्चुअली प्री पोस्ट विडियो बहुत सारे है शॉर्ट्स है वीडियोज है जो की सब टेलीग्राम पे है एंड टेलीग्राम का एम है हमारा जीरो सब्सक्राइबर्स का कितना so है जो टेलीग्राम पे नहीं है एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हंड्रेड लाइक्सर दिसो सी यू एंड अर्नी हेलो गाइस सो दिस इज द आउट वीडियो आई वेलकम यू ऑल इन द आउट वीडियो बिकॉज आप लोगों ने देखा होगा जैसे दे कि हम लोगों ने पूरा मैंने एक्सप्लेन करा आप लोगों को हाउ वी बुक टू लैक् एंड उसके क्या क्या लर्निंग्स uh, थी उसमें क्या क्या कहाँ मैंने प्रॉफिट पे एग्जिट करा कहाँ मैंने स्टॉप लॉस पे एग्जिट करा आई डोंट यू ईच एंड एवरी थिंग ठीक है इसके वीडियोस भी बनाए हुए थे सो द ट्रांसपेरेंसी इज ऑन ये लेवल पे ट्रांसपेरेंसी रखी मैंने ठीक है और मैंने जितने यूट्यूबर्स को आज तक देखा है बहुत कम लोग ऐसी ट्रांसपेरेंसी दिखाते हैं आई वॉन्ट टू बी वन ऑफ देम ठीक है एंड दैट्स एम वर्किंग हार्ड डेली डे बाई डे आई एम ग्रोइंग

Still not get